ये जश्न अब कभी नहीं थमेगा। इंडिया ने कप मांगा था, इंडिया को कप मिला है, पर जिस शख्स ने सबके होठों पर हंसी दी उस शख्स की आंखें नम थी उस कप को जीतने के बाद। युवराज सिंह हमारे साथ हैं, आंखें नम, खुशी छलक रही थी। आंखें तो नम अभी भी हैं, खुशी का इजहार मैं कर नहीं सकता। आई थिंक एक सपना था पूरे इंडिया के लिए जो पूरा हुआ, मतलब जो भी बच्चा बूढ़ा जवान इस धरती पे चलता है वो आज हमको देख के बहुत खुश होगा। युवराज के लिए ये जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट रहा है पूरा, वो एक ड्रीम टूर्नामेंट रहा है। मैं उस पुराने दर्द के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी युवराज, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जब से आपने वो 50 पर 50 और विकेट पर विकेट लेना शुरू किया और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने तक, सबसे यादगार लम्हा क्या रहा? सबसे यादगार लम्हा तो डेफिनेटली आज का रहेगा, बिकॉज जो हमारे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ बड़े क्रूशियल गेम हुए, अगर वो जीत के हम फाइनल नहीं जीतते तो हमारी मेहनत बेकार रह जाती। लेकिन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था आज का मैच जीतना, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच जीते उससे हमें काफ़ी मोमेंटम मिला। उस मैच में हमने बैटिंग अच्छी की, अगले मैच में हमने 260 को डिफेंड किया, बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी की, और आज हमने वर्ल्ड चैंपियंस की तरह बैटिंग की। आई थिंक माही और गौतम की जो पारी थी उन्होंने ऐसे बैटिंग की जैसे वो कोई नॉर्मल इंडिया का मैच खेल रहे होते, तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में ऐसे बैटिंग करना इज क्वाइट कमेंडेबल। और इसीलिए ये भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पर, आज तक कभी कोई होस्ट कंट्री टूर्नामेंट नहीं जीती थी इंडिया के खिलाफ। अगर ये चीज थी कि इंडिया फेवरेट है तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी थी, प्रेशर था, लोग थे, शायद मीडिया भी थी थोड़ी हद तक, लेकिन उन सब चीजों के बीच से निकलकर इस तरह से टूर्नामेंट जीतना और युवराज सिंह ने जिस तरीके से जवाब दिया, हालांकि आप कहेंगे कि शायद जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जवाब मुकम्मल मिला तो है सबको। देखिए तेंदुलकर मुझे एक बात कहता है कि किसी को भी जवाब देना तो अपने बैट से दो, सो आई थिंक अपनी परफॉर्मेंस से दो, वही दिया मैंने। और आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज, यू नो, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिला, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। और आई थिंक उस सिचुएशन में हमने, प्रेशर सिचुएशन में हमने बहुत अच्छी पारी खेली। हमने जो फर्स्ट राउंड खेला, हमारे पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यू नो प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर कलेप्स हो रहा है, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, लेकिन हमने जो गेम्स थे आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड वाले गेम्स, साउथ अफ्रीका, टफ गेम्स थे हमारे, और सब उसमें हमने सिचुएशंस में अच्छा किया, तो हमने उससे काफ़ी सीखा ली कि हम एज ए टीम इकट्ठे रह के क्वार्टर फाइनल्स में अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। आखिरी सवाल वो ये कि आपने स्पेशल पर्सन की बात करके बहुत सारी अटकलों को हवा दे दी थी, सारे लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन होगा, कोई लड़की होगी, माँ होगी, सचिन होंगे, कौन होंगे, लेकिन आज एक सिरे से आपने कई सारे नाम लिए हैं युवराज। वेल, वो स्पेशल पर्सन सचिन ही था, क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले एक साल में काफ़ी मोटिवेट किया, और यू नो एक लेजेंड जो 20 साल से यू नो इंडिया के लिए इतनी बड़ी बड़ी विक्टरीज और इतना बड़ा प्लेयर रह चुका है, उसको वो एक वर्ल्ड कप डिजर्व करता था, सो आई फील दैट आज सचिन का सपना पूरा हो गया। बहुत बधाई हमारी तरफ से, बस चाहेंगे चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहें और आपका एक पदक भी देखना चाहते हैं सर। बस मैं यही कहूँगा कि आपकी दुआओं से और आपकी इच्छा से आज इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं।